2 अगस्त 2022, नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद से चाइना एक्सट्रीमली अग्रेसिव रूप ले चुका है। आप ये मैप से समझिए, ये जो येलो लाइन है जो ताइवान को घेरे हुए है, ये ताइवान का टेरिटोरियल बॉर्डर है। और ये जो रेड रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये वो 6 लोकेशंस हैं जहां पर चाइना अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है। और आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये ड्रिल्स ताइवान के टेरिटोरियल बॉर्डर को क्रॉस कर रही हैं। यूएसए के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले, जो कि यूएस के हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है, उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम करा है कि चाइना की कोशिश है कि 2027 तक वो कैपेबिलिटीज डेवलप कर ले कि वो ताइवान को कैप्चर कर सके। इनफैक्ट यूएस में जो चाइना के एम्बेसडर है क्विंग गैंग, उन्होंने नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है और खुद ही कहा है कि ताइवान का चाइना से रीयूनिफिकेशन रोका नहीं जा सकता है। चाइना के एंटी सेसेशन लॉ के 8th आर्टिकल में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि अगर पीसफुल मीन से चाइना का ताइवान से रीयूनिफिकेशन नहीं हुआ तो चाइना नॉन पीसफुल मीन्स यूज करेगा। तो चाइना का ताइवान को लेकर फ्यूचर एकदम क्लियर है। और चाइना एम्बेसडर जो यूएस में पोस्टेड है, उनके शब्दों में कहें तो ताइवान का चाइना से रीयूनिफिकेशन रोका नहीं जा सकता। चाइना के बढ़ते हुए अग्रेशन के अगेंस्ट ही इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, क्वाड, यानी क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। इसमें ये तीन देश, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना ताइवान इशू पर, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स पर अपने स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है और बाकी क्वाड मेंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जल्द कोई स्टेटमेंट दे। आपको कुछ बेहद ही जरूरी चीजें आज देखनी है कि चाइना अगर ताइवान को कैप्चर कर गया, जो कि वो एक दिन करेगा ही, ऐसा चाइना हमेशा से क्लियर करता हुआ आया है, तो इंडिया के लिए खतरा कितना बढ़ जाएगा। आप अब नेक्स्ट ये 4 पॉइंट से समझिए, जिसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। पहला पॉइंट, चाइना बहुत समय से साउथ चाइना सी में और अपने लैंड बॉर्डर एरियाज में एक स्ट्रैटेजी यूज करता है, कैबेज टैक्टिक्स, और इंडिया के साथ भी काफी समय से यूज कर रहा है। ये वॉरफेयर की लैंग्वेज में कुछ अलग अलग टैक्टिक्स होती है। इसमें चाइना अपने डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज में पहले सिविलियन पॉपुलेशन को सेटल करता है और उसके बाद उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जैसे कि रेल, रोड और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद इस एरिया पर चाइना अपना क्लेम करने लगता है और अपनी मिलिट्री भेज देता है। यही टैक्टिक्स चाइना अरुणाचल प्रदेश में पिछले बहुत सालों से कर रहा है। ये बात आप ध्यान रखें कि ये सब डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज पर किया जा रहा है। मई 2020 में हुए गलवान वैली क्लैश के बाद से, जिसमें 21 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे, चाइना इंडिया के रिलेशंस बहुत टेंस हो चुके हैं। यूएस का पेंटागन हर साल चाइनीज मिलिट्री की एक्टिविटी पर रिपोर्ट करता है और यूएस कांग्रेस को भेजता है। नवंबर 2021 की इस पेंटागन रिपोर्ट में एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई। रिपोर्ट में स्पष्ट मेंशन्ड है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में एक विलेज तक बना चुका है। और वैसे भी चाइना का स्टैंड क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश एंशियंट टाइम से उनका ही हिस्सा था और आगे भी रहेगा। सेकंड पॉइंट, जनवरी 2022 चाइना ने अपना न्यू बॉर्डर लॉ बनाया। इसमें चाइना ने बहुत सारी शैतानियां की थी। इस लॉ में अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम ही बदल दिए थे चाइना मैप में। और इनफैक्ट चाइना अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को जैंगनान या फिर साउथ तिब्बत इस नाम से डिनोट करता हुआ आया है। इस लॉ का मेन एम था LAC के आसपास चाइनीज मिलिट्री के ट्रांसग्रेशन को लीगल कवर देना और फॉर्मलाइज करना। ट्रांसग्रेशन यानी उल्लंघन करना पुराने बॉर्डर रूल्स को, और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया चाइना के बीच का बॉर्डर है। इस लॉ में सिविलियन पॉपुलेशन को बॉर्डर एरिया में सेटल करने की और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने की बात कही गई है, जो बात एक साल पहले पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट्स में क्लेम की थी। और यही वो लॉ है जो चाइना की कैबेज टैक्टिक्स को लीगल बैकिंग दे रहा है, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। तीसरा पॉइंट,
3,488 किलोमीटर लंबी इंडिया चाइना बॉर्डर पर मेनली 11 लोकेशंस है जहां पर डिस्प्यूट है, जिसमें से 5 लोकेशंस लद्दाख में है, 3 लोकेशंस हिमाचल प्रदेश में, 1 उत्तराखंड, 1 सिक्किम में और पूरा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें से अक्साई चीन चाइना ऑलरेडी लेकर जा चुका है। गलवान वैली और डोकलाम ये भी बहुत बड़ा विवाद है। इंडिया और चाइना का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसको इंडिया कहता है मैकमोहन लाइन, जो कि मार्च 1914 में डेजिग्नेट करी गई थी शिमला कन्वेंशन में, लेकिन चाइना इस बॉर्डर को नहीं मानता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, चाइनीज सिविल वॉर, इन सब के बाद 1959 में चाइनीज प्रीमियर ज़ाओ एनलाइन ने जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा था कि हम मैकमोहन लाइन को बॉर्डर नहीं मानते, हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही इंडिया चाइना का बॉर्डर मानते हैं और लोग भी इसे स्वीकार करें। लेकिन नेहरू ने इसे रिजेक्ट किया और बोला कि बॉर्डर मैकमोहन लाइन ही मानी जाएगी। इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट इतना कॉम्प्लेक्स है, इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, और नियर फ्यूचर में सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार समझेगा। मई 2022, इस बॉर्डर लॉ आने के 5 महीने बाद इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांडर के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलेटा, इन्होंने बेहद ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा बयान दिया कि LAC के तिब्बत रीजन में चाइना बहुत स्पीड से रोड, रेल और 5G टावर्स का नेटवर्क फैला रहा है, सेम कैबेज टैक्टिक्स। फोर्थ पॉइंट, 26 जुलाई 2022, इस बढ़ती हुई US चाइना की टेंशन के बीच इंडिया ने अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया चाइना के अगेंस्ट कि चाइना का CPEC प्रोजेक्ट इनहेरेंटली इलीगल, इलेजिटिमेट और अनएक्सेप्टेबल है। ये CPEC कॉरिडोर बेहद ही बड़ा इशू है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है, और चाइना इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जाकर इंडिया की परमिशन के बिना ये बना रहा है। दरअसल चाइना इस वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में यूरोप, अफ्रीका और एशिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए लैंड, रेल और मैरिटाइम रूट बना रहा है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसकी एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट ही $1 trillion से भी ज़्यादा है, और इसी की एक आम है CPEC कॉरिडोर जो POK से गुजरती है। अब आप क्लियरली इन सब पॉइंट से समझ चुके होंगे कि अगर चाइना ताइवान को कैप्चर करेगा, जो कि चाइना के हिसाब से वो इनएविटेबल है, तो चाइना की डोमिनेशन साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से इंडिया का 55% ट्रेड पास होता है, तो ये इंडिया के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप हमारे लिए हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को क्या वेट करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि चाइना ताइवान को कैप्चर ना करे, और अगर कर भी ले फिर भी वन चाइना पॉलिसी से हमें स्टिक करना चाहिए, और साथ ही हमें उम्मीद लगाकर रखनी चाहिए कि शायद चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना ट्रांसग्रेशन को लिमिट करेगा किसी दिन, क्योंकि ताइवान अगर कैप्चर हुआ तो वर्ल्ड ट्रेड में चाइना को एक हेजमेनिक पावर बनने से रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को क्वाड मेंबर्स के साथ मिलकर अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि इंडिया ताइवान को सपोर्ट करेगा, जो कि कंप्लीट डाइवर्जन होगा इंडिया के प्रेजेंट स्टैंड से, जिससे चाइना रिटेलिएट करेगा ही करेगा। और अंत में आप ये समझें कि सब चीज़ें बदली जा सकती है, लेकिन पड़ोसी देश नहीं। दोस्तों, आप चाहें तो टीम लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे और प्रेजेंटेशंस देखने के लिए कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इवेंट्स क्रिएट करे जाते हैं। इन रिसर्च वर्क और इन प्रेजेंटेशन को बनाने में काफ़ी मैनर्स लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप हमारे बेस स्टेशन पर चल रही ट्रेनिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं।